हेलो दोस्त, अगर आपको एक मंजिल, दो मंजिल और तीन मंजिल और चार मंजिल का घर बनाना है तो उसमें बीम, कॉलम, स्लैब और फाउंडेशन कैसे करें और इसके अलावा और किन-किन बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरे पास 50 गज का प्लॉट है और आप नंबर ऑफ कॉलम जितने ज़्यादा देंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका घर होगा। तो इसमें मैंने 9 कॉलम दे दिए हैं और 9 कॉलम दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले हम फाउंडेशन करेंगे। फाउंडेशन करने के लिए हमें सरफेस लेवल से 4 फीट की गहराई तक हमें गड्ढा करना है। 4 फीट की गहराई तक गड्ढा करके हमें उसे लेवल करना है, कंपैक्ट करना है और उसे लेवल कर लेना है। लेवल करने के बाद हमें सिर्फ PCC करना है, सिर्फ कॉन्क्रीट को 6 से 5 इंच कंक्रीट को सिर्फ डालना है यहाँ हर जगह। इसके बाद हम इसके लिए एक जाली बनाएंगे इस टाइप का। इसके लिए हमें 2.5 से 3 फीट का जाली बनाना है। इसमें हमें 12 mm के स्टील का यूज करना है और 5 इंच का L देना है और 2 स्टील के बीच की डिस्टेंस हमें 4 इंच रखनी है। जब इस तरीके के स्टील बन जाएगा तो इस जाली को हम हर जगह जहाँ जहाँ कॉलम देना है उसके नीचे सबसे पहले रख देंगे, हर जगह यहाँ रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम कॉलम रखेंगे। कॉलम हमारा क्या होगा, कॉलम में हमारा 12 mm का स्टील होना चाहिए, 2 रिंग के बीच की डिस्टेंस 6 इंच रखें और सबसे पहले इसमें जो L देंगे वो हमें 1.5 फीट का देना है कॉलम में। और जब हम रिंग को कॉलम में लगाते हैं तो उसे हम टाइस कहते हैं और जब बीम में लगाते हैं इस रिंग को तो उसे स्टीअप कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं रिंग यूज करने वाला हूँ। अब हम इस कॉलम को हर जगह जाली के ऊपर रखेंगे और बांध देंगे। और इसमें जो हम रिंग देंगे उसमें हमें ध्यान रखना है जो इसका रिंग का जो L निकलेगा वो कम से कम 3 इंच आगे तक निकलना चाहिए और इसमें हमें 8 mm के स्टील का यूज करना है। इसमें हम ऐसे 45 डिग्री पे इसे L मोड़ भी सकते हैं इधर इस तरीके से, लेकिन आप इसे ना मोड़े तो भी चल सकता है, बस आपको 3 इंच का L देना है इसमें। जब हम इस कॉलम को इस जाली के ऊपर यहाँ खड़ा कर देंगे उसके बाद हमें इसमें बीम देना है, हमें इस टाइप का बीम देना है। इसमें भी हमें 12 mm के स्टील का 6 इंच के दूरी पे रिंग देना है और L इसमें भी देना है 3 इंच का हमें और 8 mm के 8 mm का स्टील यूज करना है रिंग के लिए। और जब हम इस बीम को देंगे तो इसमें हम कैसे देंगे, ये जैसे हमारा ऊपर से हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारा वो कॉलम दिखेगा, ये वाले कॉलम जो है इस तरीके से दिखेगा। तो इस कॉलम को ये दो जो स्टील है वो यहाँ से निकालना है आपको और ये वाला जो दो है वो यहाँ से निकालना है, फिर इस तरीके से अल्टरनेट करना है। इस बार आपने यहाँ से निकाला है तो इधर यहाँ से निकालना है और यहाँ से निकालना है इस तरीके से। ऐसे ही इधर 2 बीम के स्टील यहाँ से निकलेंगे तो 2 यहाँ से निकलेंगे और फिर 2 यहाँ से निकलेंगे और 2 यहाँ से निकलेंगे। इस तरीके से हमें स्टील को बांधना है। जब हम यहाँ पे जाली रख देंगे फिर उसके ऊपर कॉलम रख देंगे उसके बाद यहाँ बीम डाल देंगे सब में इस तरीके से, फिर उसके बाद हमें एक और जाली बनाना है ऐसा और उस जाली को बांधना है उसके ऊपर एक और, फिर उसके बाद हम उसमें कंक्रीट को फिल करेंगे। और कॉलम में बात ध्यान रखनी है कि आपको अल्टरनेट रखना है, एक को एक स्टील दूसरे स्टील से 3 फीट का गैप होना चाहिए। ये आपका 9 फीट है तो ये 6 फीट हो और लैप आप इसमें कभी भी देंगे अलग से स्टील तो 3 फीट की गहराई तक लैप आपको देना है। और ये जो रिंग आप लगाएंगे कॉलम या बीम में अल्टरनेट रखना है, जैसे ये ज्वाइंट आपका एक यहाँ पे आया तो अगला यहाँ पे आना चाहिए, उससे अगला यहाँ पे आना चाहिए, उससे अगला यहाँ पे, जैसे ये वाला रिंग आ गया आपका पहला यहाँ पे वाला ज्वाइंट, फिर अगले रिंग को देंगे तो अगला ज्वाइंट यहाँ पे आ गया, फिर इससे ऊपर अगला देंगे तो यहाँ आ गया। इस तरीके से अल्टरनेट रखना है। फिर इसके बाद आपका ब्रिक वर्क शुरू होगा। 9 इंच का ब्रिक वर्क आपका होगा, 4 फीट तक गहराई जो आपने किया है वो सरफेस लेवल तक आने के लिए यहाँ पे आपका 9 इंच की फिर उसके ऊपर बीम के ऊपर चुनाई होगी पूरी और इसे आपको सरफेस लेवल तक आ जाना है। सरफेस लेवल से
तक आने से पहले आपको 9 इंच नीचे ही रुक जाना है और वहां पर फिर एक बीम आपको देना है। जैसे ये सरफेस लेवल है तो इसके अंदर ही आपको एक और 9 इंच का बीम देना है। इस तरीके से पूरे इसमें आपको पूरे में 9 इंच का बीम एक और देना है सरफेस लेवल पे, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको अपने सरफेस लेवल से, पृथ्वी के तल से आपको जितने ऊपर 1 फीट पे, 2 फीट पे या 3 फीट पे जितनी ऊंचाई रखनी है उस हिसाब से आपको फिर प्लिंथ बीम देना है। प्लिंथ बीम देने के बाद आपकी 4 इंच की चुनाई ऊपर शुरू हो जाती है उसके ऊपर। तो उसमें आपको क्या करना है, 1 फीट या 1.5 फीट या 6 इंच की दूरी पे आपको डीपीसी देना है। डीपीसी में आपको वाटरप्रूफ यूज करना है, ये 2.5 सेंटीमीटर का देना है आपको या 2 इंच का भी रख सकते हैं आप। इसके बाद जब आप ऊपर चुनाई करेंगे 4 इंच की, तो हर 3 फीट के बाद आपको दो कॉलम के बीच में आपको 6 mm का स्टील 2 डालना है, जिससे ब्रिक वर्क जो है वो स्ट्रांग होगा। तो आप देखेंगे हमारा फाउंडेशन वाला बीम हो गया, फिर उसके बाद हमारा सरफेस लेवल से हल्का सा नीचे एक हमारा ये बीम हो गया। फिर हमें 1 फीट या 2 फीट जितनी भी ऊंचाई पे सरफेस से अपना घर रखना है उस पर हमारा फिर एक और प्लिंथ बीम हो गया। तो इस तरीके से हमें फाउंडेशन में ही कम से कम 3 बीम दे देना है। जब आप इस 3 बीम दोगे इस तरीके से सरफेस लेवल ऊपर तक आने फाउंडेशन तक में, तो इससे स्ट्रांग होगा आपका घर और स्टेबल होगा। इसमें अर्थक्वेक का या किसी और तरीके से वाइब्रेट हो आपके घर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा और ना ही क्रैक आएंगे, तो इससे ये फायदा होगा आपको। अब हम बात करेंगे कि आप स्लैब में स्टील को किस तरीके से दें। तो मान लिया है हमारा ये स्लैब है, तो इसमें ये हमारा बीम हो गया है। इसमें क्या करना है, आपको बीम के अंदर डालना है स्टील को और फिर यहाँ पे बीम के ऊपर को स्टील रख देना है। फिर उसके अगला इस तरफ बीम के अंदर डालना है और इधर बीम के ऊपर स्टील रख देना है लाके। फिर ऐसे ही इसको अल्टरनेट लेते जाना है, यहाँ से ले गए इसके ऊपर रख दिया, अंदर रखा, यहाँ स्टील के ऊपर रख दिया, यहाँ बीम के अंदर, यहाँ ऊपर। फिर ऐसे ही आप, ये हमारा हो गया मेन बार, इसमें आपको 10 mm का स्टील यूज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन बार में आपको 8 mm का स्टील यूज करना है। इसमें भी आपको अल्टरनेट रखना है, एक तरफ कॉलम के अंदर डाल दिया और दूसरे तरफ कॉलम के ऊपर, फिर इधर कॉलम के अंदर, इधर कॉलम के ऊपर, कॉलम के अंदर, इधर कॉलम के ऊपर। तब इन दोनों को आप ज्वाइंट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्लैब दिखेगा। यहाँ आपके चारों तरफ डबल जाल हो जाएगा और बीच में सिंगल जाल होगा। और ये जो आपको L देना है, ये आपको L/4 रखना है या L/3। मान लिया कि ये आपका 9 फीट है, तो यहाँ अगर आप L/3 पे क्रैंक दे रहे हैं तो आपका 3 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 फीट के इस कॉलम से, बीम से आपका 3 फीट तक आपका डबल जाल होगा और बीच में जो भी एरिया बचेगा वो सिंगल जाल होगा। और यहाँ आपको स्लैब देते वक्त यहाँ पे आपको 2 स्टील के बीच 5 इंच का डिस्टेंस रखना है स्पेस, और इसी तरीके से इधर भी आपको 5 इंच का डिस्टेंस रखना है मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में। और इसके बाद जब आप ये दे दोगे तो आप देखोगे कि 2 स्टील बार के बीच में जो आपने क्रैंक दिया है तो यहाँ पे आपका लंबा गैप हो जाएगा, 10 इंच का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक L इस तरीके से, जैसे आपने L/3 दिया मतलब 3 फीट का, तो आपको ये 3 फीट और फिर उसके बाद ये 4 इंच का L बना देना है, 4 इंच का L रखना है। और इसके बाद ये आपको यहाँ से इसके ऊपर एक और स्टील बार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये 2 क्रैंक के बीच में, इस 2 क्रैंक के बीच में, ऐसे ही इस 2 क्रैंक के बीच में और इन 2 क्रैंक के बीच में आपको स्टील देना होगा। ये हो गया आपका जब आपको कुछ पैसे बचाने होते हैं स्टील में जब। लेकिन मैं से आप कहोगे तो मैं कहूँगा कि आपको इस तरीके से स्टील बांधना चाहिए। आपको क्या करना है, सीधा 10 mm का स्टील लेना है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा शॉर्ट स्पैन होता है उसमें हम मेन बार का यूज करते हैं और जो लॉन्ग स्पैन होता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का यूज करते हैं। तो हमारा जो शॉर्ट स्पैन वाला उसमें हम 10 mm का स्टील यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा 4 इंच का ये L देंगे
और जो भी डिस्टेंस है उसमें हम ऐसे बिछा देंगे। और यहाँ कॉलम, यहाँ बीम में इसे एल को सटना चाहिए और इसे बाइंडिंग वायर से बांध देंगे। तो ये जब हम ऐसे बांधेंगे इसे मेन बार को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जाल बन जाएगा। और जब इसे आप बांध देंगे कॉलम में सब तरफ इस तरीके से, तो ये जाल हमें ऐसा दिखेगा। फिर इसे हमें क्या करना है, फिर इसके ऊपर एक और जाल हमें बांधना है। फिर मेन बार सबसे पहले ऊपर से इसके नीचे की ओर ऐसे, पहला हमारा ऐसे आया है, दूसरा हमारा इसके ऊपर ऐसे आएगा। तो ऐसे ही इसके ऊपर रखेंगे ऐसे करके एल, पहले मेन बार देंगे फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे एक बार और, तो हमारा डबल जाल होगा, ये हमारा सिंगल जाल है। इसी तरीके से इसके ऊपर एक और जाल बना के रखेंगे, पहले ये वाला देंगे ऐसे शॉर्ट स्पैन में, फिर लॉन्ग स्पैन में, फिर उसे बांध देंगे हम, और एल ये बीम के अंदर जाएगा। ये हमारा बीम है, ये तो बीम नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है एल, और अगला वाला ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो हमारा डबल जाल हो जाएगा। इसके बाद हमें जब हम स्लैब में बीम देंगे, जो स्लैब के नीचे बीम होता है उसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्टील को तो हम 16mm का स्टील यूज करेंगे और ऊपर वाले में हम 12mm का स्टील यूज करेंगे, और इसके बीच की डिस्टेंस भी 6 इंच होगी, और 8mm का स्टील का यूज करेंगे हम रिंग के लिए, और एल 3 इंच का ही रखेंगे। और सेम उसी तरीके से देंगे स्लैब में भी, दो स्टील हमारा इधर से निकला तो दो स्टील यहाँ से निकलेगा, फिर दो स्टील यहाँ से निकला अब तो दो स्टील यहाँ से निकला बीम का, इसी तरीके से यहाँ से निकला दो स्टील तो दूसरा यहाँ से, फिर अगला यहाँ से और यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से हम स्लैब में बीम को बांध देंगे। और नीचे याद रखना 16mm का स्टील यूज करना, ऊपर 12mm का। और इसके बाद जब हम जीने का फाउंडेशन करेंगे तो सेम नीचे 4 फीट की गहराई तक या 1 मीटर की गहराई तक गड्ढा करेंगे, उसे लेवल करेंगे, कम्पैक्ट करेंगे, और उसके बाद PCC करेंगे 5 से 6 इंच का, और फिर जाली बनाएंगे उसके नीचे रखेंगे, फिर हम स्टील बार को रखेंगे, इसमें 12mm का स्टील यूज करना है हमें जीने के लिए। और जीने का स्टील जो यूज करेंगे हम इस तरीके से उसको करेंगे, और जो भी लैंडिंग हुआ वहां तक लेके जाएंगे, और अल्टरनेट रखेंगे हमें, ये जहाँ तक हमें लैंडिंग ले जानी है उतने लंबा हम स्टील को रखेंगे 12mm को, ये भी 12mm का ही रहेगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 इंच ही रहने वाली है। जैसे अज्यूम कर लिया हमने कि हमारा ये लैंडिंग है और ये जीना है और ये हमारा फाउंडेशन आया है, तो इसे हम दूसरे तरफ से देखेंगे, हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा ये है, मान लिया ये हमारा फाउंडेशन रखा स्टील का इसके लिए जीने के लिए, तो इससे जो स्टील निकलेगा तो आगे वाले को तो छोटा रखेंगे और बड़े वाले को जो लैंडिंग तक जाना चाहिए वहां तक का रखेंगे। और इसमें भी हमें क्या करना, ये जो स्टील है ये हमारा सबसे पहले क्रैंक ऐसे क्रैंक कट जाएगा। क्रैंक कैसे कटेगा, यहाँ से हमारा जो स्टील है ये ऊपर जा रहा, ये नीचे जाएगा, और फिर जो ये छोटा वाला स्टील है ये क्रैंक होकर ऊपर आ जाएगा। और इसकी जो स्पैन होगी उसे हमें L/4 या L/3 इस वाले को रखना है। फिर सेम तरीके से जो इससे स्टील आ रहा होगा वो यहाँ से आके ऊपर हो जाएगा और यहाँ से चलेगा, और बीच में सिंगल जाल होगा और नीचे ऊपर का डबल जाल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जीने में स्टील देना है। अब हमें इन सब काम को करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, हमें इसमें मोटार 1/4 AC यूज करना है, 1 सीमेंट 4 सैंड, और हमें जो भी मोटार बनाना है वो हमारा 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब हमने मोटार बना लिया, पानी वानी डाल दिया, तो 3 घंटे से ज़्यादा उसे यूज ना करें, 3 घंटे के बाद इतना ही बनाएं जो 3 घंटे में मोटार ख़त्म हो जाए। और हमें मोटार जो हम ब्रिक वर्क करेंगे उसमें थिकनेस 15mm से ज़्यादा ना हो, 2 ब्रिक के बीच में जो हम मसाला डालते हो 15mm से ज़्यादा ना हो। और जो हमें सीमेंट यूज करना है वो एक ही कंपनी का यूज करना है और एक ही ग्रेड का यूज करना है, अलग अलग यूज नहीं करना है। और जो हम सैंड यूज करेंगे वो क्लीन हो, और कंक्रीट में हम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, M20 ग्रेड कंक्रीट यूज करेंगे, और M20 का जो रेशियो 1:3, 1 सीमेंट 1 सैंड 3 एग्रीगेट। और एग्रीगेट हमारा क्लीन होना चाहिए, जो गिट्टी होती है वो एकदम सफा होनी चाहिए।
और जो स्टील जो हम लेंगे वो एक ही कंपनी का होना चाहिए, अलग अलग कंपनी का नहीं होना चाहिए और एक ही ग्रेड का होना चाहिए। प्लास्टर के लिए आप 1/6 रेशियो यूज कर सकते हैं, 1 सीमेंट 6 सैंड। और जो आप ये सब काम करेंगे इसमें क्यूरिंग तड़ाई जो करनी है आपको कम से कम 15 दिन करनी है, 2 टाइम करनी है अगर ठंड में, अगर विंटर है तो 2 टाइम सुबह और शाम, अगर गर्मी है तो आप 3 बार 4 बार कर सकते हैं तड़ाई, जितनी तड़ाई ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। और सीमेंट और सैंड मिक्स जो करेंगे आप, सीमेंट और सैंड जो आप मिलाएंगे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नाप के मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि अंदाजे से डाल दिया और मिक्स करके डाल दिया। इसी तरीके से सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्स जो करेंगे वो भी अच्छे से नाप के करेंगे, अंदाजे से नहीं। और जो हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा प्योर होना चाहिए, प्योर मतलब मीठा पानी होना चाहिए। अगर मीठा पानी नहीं होगा तो आप कितने भी पैसे खर्च कर लें, किसी भी तरीके से बना लें, आपका स्ट्रक्चर कमजोर होगा, वीक होगा। तो मेन बात याद रखना पानी, और जो मिक्स करेंगे प्रोपोर्शन, जो मिक्स करेंगे प्रोपोर्शन वो आपका सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।